हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विद कॉपीराइट स्ट्राइक। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आपके चैनल पे कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे डील कर सकते हो, कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव करवा सकते हो अपने चैनल से। वो सब कुछ की इन्फॉर्मेशन दूंगा आज के इस वीडियो में, और कॉपीराइट स्ट्राइक से क्या इफेक्ट होता है, कैसे क्या रूल रेगुलेशन होता है, वो सब कुछ पता चलेगा आपको आज इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहां पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स की, जो सबको ही पता होता है कि ये जो दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक होती है वो कॉपीराइट क्लेम से बहुत ही अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो पे समझा दिया था कॉपीराइट स्ट्राइक वर्सेस कॉपीराइट क्लेम, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया है कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में क्या डिफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे कि जैसा कि दोस्तों जितने भी यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू क्रिएटर हैं, उनको बेसिक्स तो पता होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है या कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, दोनों में से हार्मफुल क्या होता है, वो सब तो सबको पता रहता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ बहुत ही दोस्तों बेसिक है जो हर कोई बताता रहता है कि 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक चैनल पर ना आए, क्योंकि दोस्तों इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो चैनल टर्मिनेशन होता है। मतलब अगर आपके चैनल पे 90 डेज के अंदर 3 स्ट्राइक आ जाती है तो आपके चैनल को यूट्यूब टर्मिनेट कर देता है। तो इसी के लिए दोस्तों लोग बताते हैं कि 90 डेज के अंदर 3 स्ट्राइक आपके चैनल पे ना आए। और अगर दोस्तों आपके चैनल पे 2 स्ट्राइक आएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 नहीं आनी चाहिए। और उसका दोस्तों जो क्राइटेरिया होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस स्ट्राइक से डील कैसे करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी के कंटेंट को कॉपी करते हो, किसी का मटेरियल यूज़ करते हो अपने वीडियो पे, कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज़ करते हो, तब दोस्तों आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। और अगर आप यूट्यूब के किसी गाइडलाइन का वायलेशन करते हो तो दोस्तों आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है। दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब बस डिफरेंस ही होता है कि एक आपको कोई क्रिएटर देता है जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है, और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब की तरफ से आती है। लेने के बाद यही है कि अगर आपके चैनल पे दोनों में से कोई भी स्ट्राइक आती है तो आपके चैनल को इफेक्ट होता है, और साथ ही साथ अगर 90 डेज के अंदर 3 स्ट्राइक आती है तो आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसका एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आ चुकी है तो उससे आपको डील कैसे करना है। अगर दोस्तों आपका जो कॉन्टेंट है वो जेन्युइन है तो आप सिंपली जो आपका डैशबोर्ड होता है चैनल का, वहाँ पे जाके आप वीडियो वाले सेक्शन पे, उस वीडियो पे आपको पूरा वर्क करना है। और यहाँ पे इससे पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही उनके चैनल पे स्ट्राइक आती है तो वो लोग डर जाते हैं, और उन लोग को बस ये डर रहता है कि कहीं 90 डेज के अंदर 3 स्ट्राइक ना आ जाए। तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो उस कॉपीराइटेड जो भी वीडियो है उसको डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आई है किसी पर्टिकुलर वीडियो के कारण, तो बहुत से क्रिएटर वो पर्टिकुलर वीडियो को डिलीट कर देते हैं। बट दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉपीराइट क्लेम होता है वो वीडियो से रिलेटेड होता है, बट जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है वो चैनल से रिलेटेड होती है। तो अगर आप वीडियो को डिलीट कर देते हो तब भी स्ट्राइक आपके चैनल पर 90 डेज तक रहती ही है। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो स्ट्राइक है वो रिमूव आप कर पाओ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक गलती नहीं करनी है कि आपको वीडियो डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आए तो आपको सबसे पहले वो जो पर्टिकुलर वीडियो है जिसके कारण आपके चैनल पे स्ट्राइक आई है, तो उस वीडियो को आपको वीडियो सेक्शन पे ओपन करना है, और वहाँ पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो वाले सेक्शन को आपको ओपन कर लेना है। तो उस कॉपीराइट स्ट्राइक के आगे आपको एक अपील का बटन मिलेगा ब्लू कलर का, तो उस अपील वाले बटन पर क्लिक करके आप दोस्तों काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हो, और इससे आपका जो स्ट्राइक है वो रिमूव हो जाएगी अगर आपका वीडियो जेन्युइन होगा। मतलब अगर आपका कंटेंट आपका ओन खुद का होगा तो वो जो अपील वाले सेक्शन पे आप सबमिट करोगे काउंटर नोटिफिकेशन, उससे जो आपका स्ट्राइक होता है वो बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक किसी ओनर ने दिया है तो आपको
काउंटर नोटिफिकेशन सेंड करना है, और अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है तो आपको अपील करना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि बहुत से ऐसे व्यूअर हैं, बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू रिमूव कॉपीराइट स्ट्राइक, तो उनको बहुत से ऐसे वीडियोज़ मिल जाते हैं जिसमें बताया गया है कि कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो आपकी स्ट्राइक काउंट होती है, अगर जैसे आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक आज तक नहीं आई है, तो कैसे 3 स्ट्राइक काउंट की जाती है 90 डेज के अंदर, उसका क्राइटेरिया मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक टर्म मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वार्निंग स्ट्राइक। दोस्तों जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है वो अलग होता है, और वार्निंग स्ट्राइक बहुत ही अलग चीज़ है, उसका इफेक्ट क्या है वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। दोस्तों जैसे कॉपीराइट क्लेम होता है जो आता है किसी भी वीडियो पे, तो आप लोग रिमूव करा लेते हो, तो इसी की तरह से जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है, तो कभी भी आपके चैनल पे अगर कोई स्ट्राइक नहीं आई है, तो कभी अगर इन फ्यूचर आप कोई गलती करते हो अपने चैनल पे जिसके कारण आपके चैनल पे स्ट्राइक आए, तो दोस्तों जो सबसे पहली स्ट्राइक आती है आपके चैनल पे उसको बोला जाता है वार्निंग स्ट्राइक। मतलब अगर आपने कभी कोई गलती नहीं की है चैनल पे, आपका चैनल स्मूथली रन हो रहा है, तो अगर इन फ्यूचर कोई गलती आपसे होती है तो आपके चैनल पे कभी भी पहली स्ट्राइक नहीं आएगी, आपके चैनल पे पहली वार्निंग स्ट्राइक आएगी। और ये दोस्तों जो वार्निंग स्ट्राइक होती है ये बस ये बताने के लिए होती है कि आपको वार्न किया जा रहा है और ये आपने गाइडलाइन का वॉयलेशन किया है। मतलब ये जो वार्निंग स्ट्राइक होती है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है चैनल पे, ये बस बताया जाता है कि आपके चैनल पे ये वॉयलेशन हुआ है। और इसके बाद जो स्ट्राइक आती है वो दोस्तों पहली स्ट्राइक मानी जाती है आपके चैनल पे, और उस स्ट्राइक से बहुत कुछ होता है आपके चैनल पे, और वो स्ट्राइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इसके पहले की जो स्ट्राइक है वार्निंग स्ट्राइक, वो सिर्फ ये बताने के लिए होती है कि अब आपको वार्न कर दिया गया है, इसके बाद अगर आप कोई गलती करते हो तो वो गलती आपकी पहली स्ट्राइक मानी जाएगी। और इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जिनके चैनल पे वार्निंग स्ट्राइक आई है, तो वो लोग दोस्तों करते क्या हैं कि YouTube पे सर्च करते हैं हाउ टू रिमूव वार्निंग स्ट्राइक। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जो कॉपीराइट क्लेम होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, ये सब आप रिमूव कर सकते हो, बट ये जो वार्निंग स्ट्राइक होती है इसको आप दोस्तों कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो वार्निंग स्ट्राइक होती है ये आपके चैनल पे लाइफ में एक ही बार आती है और वो लाइफ टाइम तक रहती है, क्योंकि दोस्तों ये आपके चैनल को इफेक्ट नहीं करती, ये बस आपको वार्न करने के लिए होती है और आपको इन्फॉर्म करने के लिए होती है। ये जो वार्निंग स्ट्राइक का पूरा क्राइटेरिया है उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस आपको वार्न करेगा और आपके चैनल पे हमेशा वार्निंग स्ट्राइक रहेगी, और ये जो वार्निंग स्ट्राइक है ये आपके चैनल को कभी भी अफेक्ट नहीं करती। तो अगर आपके भी चैनल पे आज तक स्ट्राइक नहीं आई है, और अगर इन फ्यूचर आप कोई गलती करते हो, तो आपके चैनल पे जो स्ट्राइक आएगी वो पहली वार्निंग स्ट्राइक आएगी, और चाहे आप जो भी कर लो वो जो वार्निंग स्ट्राइक है वो आपके चैनल से रिमूव नहीं होगी और ना ही वो आपके चैनल को अफेक्ट करेगी। बट अगर उसके बाद आप अपने चैनल पे कोई गलती करते हो, कोई वायलेशन करते हो, या किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करते हो, तो दोस्तों जो स्ट्राइक आपके पास आएगी वो पहली स्ट्राइक मानी जाएगी, और उस स्ट्राइक आने की जो डेट है उसके आगे से जो 90 डेज है उसके अंदर 2 स्ट्राइक और नहीं आनी चाहिए। मतलब टोटल 3 स्ट्राइक अगर 90 डेज में हो गई तब आपके चैनल को YouTube टर्मिनेट कर देता है। तो यही पूरा दोस्तों क्राइटेरिया होता है। तो सिंपल सा रूल यही है कि आप अपना जेन्युइन कंटेंट बनाओ, और अगर कभी गलती से कोई स्ट्राइक आती भी है तो कैसे डील करना है वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ भी दोस्तों जो भी रूल एंड रेगुलेशन बने यूट्यूब पे वो हमारे भलाई के लिए ही बने हैं, तो उसका दोस्तों आपको भी सारा अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे आप भी बेनिफिट में रहोगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।